लास्ट लेक्चर में हमने देखा मोड्स ऑफ क्रियो। आज का लेक्चर है स्केचिंग मोड। स्केचिंग मोड क्या है? स्केचिंग मोड एक सेक्शन क्रिएशन टूल है। लाइक कोई भी हमें पार्ट क्रिएट करना है या कोई भी पार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसका स्केच, उसका सेक्शन चाहिए। उसके अलावा हम वो पार्ट नहीं बना सकते। तो एक्चुअली स्केचिंग मोड क्या है वो हम डायरेक्ट क्रियो के अंदर देखते हैं। तो ये है क्रियो। अब आपको कोई भी स्केच प्रिपेयर करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ स्केच को सिलेक्ट करोगे। जो भी उसका नाम रखना है वो नाम रख सकते हो, देन प्रेस ओके। अब स्केचिंग के लिए हमारे पास इतनी एंटिटीज है। तो लाइक हमें कोई शाफ्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल चाहिए हमारे पास। अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो हम कोई पार्ट या कोई 3D मॉडल नहीं बना सकते। तो हमें कोई भी 3D मॉडल बनाना है तो उसके लिए एक सेक्शन चाहिए, एक बेस, एक ड्राइंग चाहिए। वो ड्राइंग जो 2D होती है उसके अलावा हम कोई 3D पार्ट नहीं बना सकते। तो हमें ये सेक्शन तो चाहिए। तो यहाँ पे आप ये जो है वहाँ पे आप एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब वो जो सेक्शन आपने क्रिएट किया वो सेक्शन को आप सेव कर सकते हो या सेव करने के बाद उसको आप डायरेक्ट पार्ट मॉडलिंग में भी ले जा सकते हो, मतलब 3D पार्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये जो है स्केच मोड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका स्केचिंग टूल्स। यहाँ पे आप सर्कल क्रिएट कर सकते हो, रेक्टेंगल, लाइन, एलिप्स, ये सब का यूज करके सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो सिर्फ स्केच मोड में। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में सबसे पहला फाइल नेम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड फाइल नेम, प्रॉब्लम एंड वैलिड फाइल नेम। यहाँ पे लिखा है पार्ट स्पेस 1। तो आप जो भी फाइल का नाम रखते हो वहां बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पार्ट 1 ऐसा लिखना है तो पार्ट अंडरस्कोर करके 1 लिखिए। देन दूसरा है पार्ट @11, वो भी आप नहीं रख सकते हो। तो बेसिक ये है कि आप स्पेस एंड नॉन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स देन ब्रैकेट्स ये सब आप यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा है वर्किंग डायरेक्टरी। कोई भी न्यू पार्ट आपको आपने बनाया या फिर कुछ भी नया प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहला जो काम है वो है आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट नहीं की है तो आप अपना पार्ट वहां पे नहीं सेव कर सकते हो जहां पे आप चाहते हो। वो जो पहले से प्री डिफाइंड वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहीं पे सेव होगा। तो सबसे पहला काम है आपका वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना। अब हम जो स्केच मोड है वो सीखेंगे डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स के द्वारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्केच यूजिंग लाइन एंड आर्क।